साई राम जी, ओम साई राम। तो गाइस आ गए मुंबई वासी, ओम साई राम जी। चलो स्मार्ट बंदे आ गए, स्मार्ट बंदे हमारे घर की रौनक आ गए हैं। पांच दिन हो गए उनको देखो, हमारी छुट्टी की आ गई है। मैंने कहा इनको तुम कुछ खाने को, नीचे काकू का मम्मा से, बड़ी मम्मा से ना मिल के आ जाते हैं, फटाफट जाकर आया ना, अभी अभी आया, बड़ी मम्मा से मिल के आ जाते हैं। और सही रहा सफर, बढ़िया अच्छा आ गया, एंजॉय किया है। साईं बाबा के गए, दो दिन मुंबई रहे, मुंबई तो दो दिन से ज्यादा ही रहे। कल आपको एक सस्पेंस मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा। चलो भाभी जी ने, भाभी जी ने सामान वगैरह सब दे दिया है, प्रसाद प्रसाद अभी ऊपर। भाभी से मिल लाती हूँ, आराम करेंगे, सुबह लेट ही उठेंगे ना। बड़ा अच्छा है मुंबई, बड़ा चलो जाएंगे। गर्मी है, गर्मी ज्यादा, मुंबई में समुद्र के किनारे देखा था, अब चीना का फोटोशूट वाला भी देखा था हमने, फोटोशूट करा रहे थे। आपका नाइट सूट बड़ा जच रहा था वीडियो में, देखा ना टीवी के अंदर, जो आप समुद्र के लहरों में ऐसे ऐसे कर रहे थे, व्हाइट वाला जो आपने डाला था, जू बीच कोर्ट सेट था, जू बीच में गए थे जब आपने विश किया था, बर्थडे पे विश किया था किसी को। हाँ लड़की के बर्थडे था ना, बैठ तो काट रही थी के हां के कर देंगे, चल मैं इसको विश कर देती हूं, इसको हैप्पी बर्थडे के कहती आंटी, मैंने आपके साथ फोटो खिंचाई, जो कृतिका वाली की मॉम, मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊं, सॉरी देख लेकिन हरता। ये प्रसाद है साईं बाबा जी का, ये शनि देवता जी का प्रसाद है, और विघ्नहर्ता जी का सारे प्रसाद भाभी ने दे दिए, जहाँ जहाँ मंदिरों में घूम के आई है। एक सोनिया भाभी का हमारा, और टाइम दिखाइयो बाबू एक बारी, बेटे फोन दिखाओ अपना, फोन दिखाओ। तो गाइस मैं टाइम दिखा देता हूँ आपका, ये हमारे गणपति बप्पा जी हैं, और टाइम हो चुका है 1:46 रात के, और बस ये लो ललिता मम्मी अभी अभी आई हैं। हाँ जी ये देख लो, ये बाल सवार रहा है, ये बाल सवार रहा है रात को, क्योंकि कल होली है, आराम से। हाँ 1:45 ऐसे लग रहे हैं जैसे इसको लग रहा है होली खेल रहा है, इसको पता नहीं ना होली नहीं खेला, इसलिए बाल से मार रहा है, तेल तो लगा रहा है, होली तो खेलने नहीं है, इसने सुबह सोए रहना है, और ये सुबह उठेगा 11:30 देखिए, लेट होता है ना, वो तैयारी करके सो रहा है। गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ, जय माता दी बोल के। गाइस हमारी माता रानी जी की ड्रेस देख लीजिए, व्हाइट जो मैं कल लेकर आया था, और साईं बाबा जी को बिल्कुल ड्रेस दिलवा दिया, और मंदिर में पूजा हमारे हो चुकी है, बस मैं भी नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ, और भगवान जी के साथ अभी होली थोड़ी सी होली खेलेंगे, भोग हम लगा चुके हैं। ठीक है जी, अब फ्रंट कैमरे में आके आपसे बात। गुड मॉर्निंग आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर में पूजा कर लिया है, भगवान जी की ड्रेसेस कैसे लग रही है मुझे बता देना। देखो भगवान जी की ड्रेसेस, भगवान जी जिस रूप में हों अच्छे लगेंगे, गणपति बप्पा मोरिया। और गाइस बस तैयारी शुरू करते हैं, हल्का सा टीका लगाएंगे भगवान जी को फूलों के साथ होली के लिए, और हल्का सा तिल लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना हमने, हमने तो खैर होली खेलनी नहीं है, मगर भगवान जी को तो तिलक लगाना पड़ेगा होली के लिए, सिर्फ सगन करना है भगवान जी के साथ, और बस काम कुम करते हैं, मिलते हैं। और रेसिपी बन रही है पनीर टिक्का सैंडविच, उसका ब्लॉग है काकू फैमिली ब्लॉग। बच्चे देखो लगे हुए हैं गली में होली खेलने के लिए, ये मामा जी आ गए हैं, और मामा जी आ गए हैं, मामा जी लेकर आए हैं मिठाई, क्योंकि वो मिठाई ला रहे हैं किस खुशी में, हमारी जो बिटिया ने क्या किया 101% टॉप किया है इस खुशी के अंदर, हमारी छोटी सी सृष्टि है ना, सृष्टि साहू में अगर अभी आई तो खैर गए हुए हैं, वो बच्चों के साथ वहाँ पर होली खेल रही है, और वो सृष्टि आएगी तो मैं अभी आपको मिलवाऊंगा, उसने किया है स्कूल में टॉप, और हमारे पास आ गई है सुबह सुबह होली वाले दिन मिठाई। मामा जी होली खेल कर आए हुए हैं, और हम बिल्कुल सूखे हैं। ठीक है जी, सृष्टि साहू आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप फर्स्ट आए हो स्कूल में। कहाँ से होली खेल के आ रहे हो? घर से? बहुत सारे कलर खेले हो? हाँ। चल अच्छा, बड़ी बुई पूजा कर रही है, बड़ी बुई पूजा रूम में, अब सैंडविच बनाया आपके फूफा ने, वोरी वोरी बड़ी बुई देख, वो बड़ी बुई बड़ी बुई पूजा कर रही है। बच आजा, आ तेरे को सैंडविच खिलाता हूँ जल्दी आ। सैंडविच? हाँ, पनीर में तो इतना बुरा हाल है, और इतने कलरफुल हो रखे हैं बच्चे, कुछ कहने की हद नहीं है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बढ़िया सा कलर से खेल रहे हैं बाहर तो बहुत ज़्यादा, और हम अपने सैंडविच की ओर चलते हैं। सैंडविच सबको खा लिया, सार तो बेटे खा लिया सैंडविच वगैरह खा लिया आपने?
सार्थक ने सैंडविच खा लिया है। अच्छा बना है? बढ़िया बना जी। और मामा को भी खिला दिया, सबको खिला दिया घर में सैंडविच बनाकर आज और सुबह सुबह। और वाकई में बहुत बढ़िया टेस्टी बना है। बस डॉली पूजा वूजा कर ले, फिर डॉली को भी खिलाते हैं सैंडविच और उसके बाद करते हैं काम कुम, देखते क्या करना है। अब थोड़ा सा ना, अब डॉली और मैंने डिसाइड कर लिया है कि रूम के अंदर क्या हमने करना है। और रात को आप यकीन करोगे, मैं टाइमिंग भी दिखा दूंगा ब्लॉग के अंदर, काकू फैमिली ब्लॉग में देख लेना। काकू फैमिली ब्लॉग स्टार्ट कब हुआ था? तकरीबन स्टार्ट हुआ था 2 बजे रात के, और हम 3:30 बजे सोए हैं। पूरा अच्छी तरीके से बैठ के डिसाइड किया है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ को चेंज करना है, किस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें करनी है, सारा हमने डिसाइड कर लिया है। वो धीरे धीरे आपको सब पता चलता रहेगा। और बस अब थोड़ी देर में खेलने लगे हैं होली और भगवान जी के साथ। और डॉली परेशान हो गई है, 2 टॉवल थे, हैंड टॉवल टॉवल, एक माता रानी का, एक साईं बाबा जी का, वो मिल नहीं रहे। और इतने बड़े बड़े टॉवल ला के साफ करते थे, स्नान कराते हैं ना वो, अब वो मिल नहीं रहे। और डॉली परेशान हो रही है, कैरी के मुझे वैसे ही बहुत परेशानी होती है। कैरी हाँ चूहे बहुत है ना, मैं कहा चूहे ना ले गए, मैं कहती डॉली कह रही है ये चूहे ना ले जाए। मैं कहा इतने बड़ा यार चूहा, इतना सोता है, इतना बड़ा टॉवल कहाँ से ले जाएगा यार, बताओ। बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे चूहे, बहुत सारे ना, फैमिली है, फैमिली बना रहे हैं, फैमिली कपड़ों के लिए कपड़े बनाने के लिए डॉली फैमिली बना रहा है चूहा अपना। तो दिखाते हैं गाइज आपको बैक कैमरे के अंदर, यह रख दिया हमने कुछ ही है, और ये गुलाल है, ये फूल है, बैक कैमरे के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। और अभी अभी ये देखिए क्या लटक के गया ना, मुझे पता है ना, अभी तो कह रही हूं लटक के गया। तो गाइज ये देखिए भगवान जी को भोग लगाने के लिए समोसा गुजिया लेकर आ गया था, और ये गुलाल है, ये चंदन का टीका है, बस भगवान जी को लगाते हैं तिलक, और भगवान जी के साथ थोड़ी सी होली का टीका लगा देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, वैसे तो खेलना नहीं है पर भगवान जी के साथ, तो भाई देख भगवान जी के, भगवान तो बस अगली बार सुख शांति लाए, सब कुछ अच्छा होगा। चलो जी, साई राम ओम साई राम, जय गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा जी से शुरुआत की जाए, जय हो जय हो, जय गुरु महाराज की, मेरी राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे, मेरी लड्डू गोपाल जी छोटे से, मेरे लड्डू गोपाल जी, जय मेरे गोपाल जी, इनको लगा नहीं, ये तो है ना हमारे जी, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा। डॉली ने कितना अच्छा फूल से आया गणपति बप्पा। हाँ, मैंने इनको अभी नई ताजी ताजी उतार, डॉली बिल्कुल पिंक कलर के फूल निकाल के लाए गाइस, ये देखो बिल्कुल सुंदर सुंदर ऊपर उगे हुए थे ना, ताजे ताजे फूल। और जय बस जय करा शेरावली द बोल साचे दरबार की, जय मां झंडे वाली माता तेरी सदा जय, जय बोल साचे दरबार की जय। बस सबके घर में सुख समृद्धि शांति लाए, खुशियां लाए सबके घर में, और बस यही मनोकामना हम भगवान जी से मांगते हैं। फूलों के साथ खेलने वाले, पहले मैं गुलाल तो लगाऊं अपने साईनाथ जी को, जय मेरे साईनाथ जी, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम। ड्रेस कितनी अच्छी लग रही माता रानी जी, अच्छा रहे एकदम मस्त, होली के ड्रेस ऐसे होते हैं ना बाबा जी के, जय मेरे बाबा जी, जय, चलो जी, जय प्रभु, जय माँ, चक्कर है शेरा वाली बोल साचे दरबार की, जय बस। तो भगवान करे जहाँ भी आप रहें सुख शांति हो, और आपकी आत्मा को शांति मिले, जय माता, जय जय। चलो जी, ये लो। तो गाइस डॉली ने भगवान जी के साथ होली खेल ली है, और बस मैं कलर लगा, काको आजा बाबू, काकू सार्थक आ जाओ, सारे सार्थक को भी बुलाओ, भाई को भी बुला के, भाई आ जाओ बेटे, चलो आओ जल्दी आओ, आओ तुम लगाओ, कलो कल लगाओ आप करो, चलो हल्का हल्का सा कलर, आप कलर लगा दो पहले, मीठे का वो बाद में लगा देना। तो गाइस ये समोसा गुजिया लेके आ गया था ना, फूलों से भी खेलना,
तो गाइज इस कमरे की भी हालत देख लो, क्या है पहले उस कमरे को सुधारना है फिर इसकी हालत है। डॉली कह रही मेरे को रहना ही नहीं है इस हाल के अंदर, घर के अंदर अब बहुत बुरा हाल सच में। कमरे में ये स्टोर रूम बना हुआ है बैठने, स्टोर रूम में भी जगह होती है नहीं जाने। हमारी यहाँ पे तो स्टोर रूम जगह ये इसने रास्ता घेरा हुआ हायर ने, निकलेगा कोई बात नहीं। हम धीरे धीरे भगवान जी को हमने भोग लगा चुके हैं और होली भी भगवान जी के साथ खेल चुके हैं देख लीजिए। और ये अभी जो भोग है ना ये चुईया आएगी 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल फिनिश हो रखी होगी कटोरी वाली। हाँ जी आओ जी आओ, डोली आ गए सोनी बाबू जी के रूम में। मेन तो ये मेरे कान्हा भगवान जी, ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी, सबके पास है। ललिता भाभी निक्की सबके पास है, सबके पास नहीं है जरूरी है विराजमान है, विराजमान है। कोई गलती से बोल दिया, पास नहीं बोलना चाहिए पर मुझे बोलते बोलते ना शब्द शब्द का ज्ञान नहीं होता। हाँ जी कोई बात नहीं, बस जब उन्होंने हमारे घर दर्शन देने होंगे आ जाएंगे अपने आप। घर में ही है कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे मंदिर है यानी के हमारे मंदिर। तो गाइस ये देख लीजिए, जय मेरे कान्हा जी, बस जय हो, जय हैप्पी होली भगवान जी, चलो जी मत्था टेको बाबू, जय मेरे कान्हा जी, जय हो जय हो जय हो जय होली 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 मुबारक हो, तुमने हैप्पी होली तो बोल दिया, मत्था टेक दिया मंदिर में भगवान जी के मंदिर में मत्था टेक दिया। चलो बढ़िया, नाश्ता भी कर लिया हमने आपका, सैंडविच खा लिया पनीर वाला, पनीर टिक्का सैंडविच अच्छा बना था ना, अब इसने खाया नहीं वही बनाया था, मैंने कहा भैया तू आ जा बुलाने के लिए, बड़े भैया मेरे को थोड़ा सा हैप्पी होली बोल रही थी बस। सही बना था सैंडविच, टेस्टी था, चलो बढ़िया। मेरा पता है हम हमेशा मम्मी को भैया को सबको बोल बोल के फिर हम जाते थे ना ऊपर कुछ खाने पीने, हां तो वही तो, अब मम्मी की फोटो का के जय करके फिर बोल बोल के अपना। चावल चावल आलू और सोयाबीन की सब्जी के साथ चावल, अभी और बहुत सामान आ रहे हैं मार्केट में, आ गया मार्केट में और भी मार्केट में सामान लेकर भी आया हूँ। दिखाओ राजमा, मासी जी के राजमा की शक्ल दिखा दो, चम्मच से लगे दिखाओ फटाफट जल्दी कैसे है, मासी जी के बनाए राजमा अभी और भी आने वाले हैं मार्केट में, तो गाइस मस्त वाले राजमा बनाते हैं, देखो कितनी मस्त राजमा आ गए हैं। अभी एक और चीज आने वाला वो भी दिखाएंगे बताएंगे नहीं, वो दिखाएंगे अभी आपको, वो दिखाएंगे मतलब जब सब्जी, अब दोपहर को फिर बनाते हैं ना, सब्जी नहीं होती तो नहीं होती, जब सब्जी होती है तो बहुत होती है, फिर मैं तभी तो कहती हूँ एक सब्जी पड़ी है अंदर दाल दाली बड़ी, मैं बनाता ही ना फिर दोपहर को दूर, ये मेरे को कहते कि आप ना सब्जी बना दो कोई बात नहीं, मेरे को आप उठा देना जब बन जाएगी मैं रोटी बना दूंगा, मैंने कहा ठीक है रोटी बना दूंगी। अभी सुबह की इतनी थकी हुई थी, बहुत काम किया था आज इधर उधर का, तो मैंने कहा चल सोने दे 2 घंटे, और मैं असल में नहीं रात को लेट सोई, सुबह से काकू ने बहुत जल्दी जल्दी मुझे उठा दिया था ना, मम्मा 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 सोनी भाभी ने आलू के परांठे दिए थे मैंने खा लिए थे, सार्थक ने भी खा लिए थे मैंने खा लिया था, वो बड़ा हम खा के घूमने चले गए अपने दुकान पे जाना था, और ये सो गए काकू, ये सो गए और मैं और सार्थक आराम से बाहर घूम के रबड़ी फलूदा भी लेके आए, वापसी आया मेरे को कारीगर के पास जाना था, काम घूम कर 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 आके मैं अपना वापस आया, अब अपना काम करके हम अपना काम, चलो राइस बनाओ भगवान जी को भोग भी लग जाएगा, देर तभी तो ये राइस भी हो दिया है, बस दे रही हूँ अभी राइस और दूध का भोग भी लग जाएगा। एक और सब्जी आ गई है कढ़ी राजमा आलू भाई साहब कढ़ी बनाएंगे, आपकी सब्जी भी है मस्त वाली, आपकी हाथ की भी सब्जी है ना, मैं तीनों चखा भी नहीं, मैं चावल में तीनों में राइटिंग, मैं सो गई थी ना, हाँ तीनों ले लो, मैं तभी राजमा राजमा कढ़ी और अपने हाथ के आलू और आलू न्यूट्रा आलू सारी वैरायटी, ये लगा हुआ अब तक ग्राइंड करने के लिए भाई साहब लगे हुए आज तसल्ली से, तीनों वैरायटी डाल दिया, ये आलू की सब्जी मैंने सुबह बनाई थी जैसे शादी में खाते ना, जैसे ये कढ़ी है और राजमा, तीनों वैरायटी डाल दी, टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और मैं कुछ कर रही है सफाइयां। हां जी हां किचन के वो रोटी वगैरह खा लिया था, मैं कहा चलो गैस मेरे साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, रोटी क्या खा लिया थोड़ा सा काम कुम कर रही है, डॉली ने अभी मशीन लगा रखी, दिखा देता हूँ चावल खाए रोटी नहीं खाई, ये देखो ये मशीन लगा रखी है डॉली ने, पड़े मैं चदरे कंबल धो रही थी ना कपड़े तो भी पड़े मैं, क्योंकि कल हमें सुबह जाना है थोड़ा सा बाहर कुछ कमरे का डेकोरेशन के सामान देखने के लिए, क्या क्या चीजें कैसे लगवाने क्या, चलो बहुत सारे सजेशन दिए आपने, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका दिल से, आप बहुत ज्यादा सलाहें दी हैं, और कि ज्यादातर जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, यूट्यूब फैमिली मेंबर है हमारे,
प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा भैया WPVC पैनल लगवाओ या PVC लोअर लगवा लो, और आजकल PVC शीट भी आ रही हैं, UV शीट भी आ रही हैं। अब जाकर देखने पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। ज़्यादातर यही क्या है कि मतलब वो ठीक रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉलपेपर है, वॉलपेपर ना उतर जाता है, ज़्यादातर लॉन्ग लाइफ नहीं रहता वॉलपेपर। अगर सीलन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि अगर WPVC पैनल है उसके ऊपर पहले सनबोर्ड लगता है, उसके ऊपर जो शीट लगती है वो PVC पैनल होते हैं, सीलन के लिए होते हैं। वैसे सीलन तो आएगी नहीं, क्योंकि साथ वाला मकान बना था तो सीलन आती है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस फिर भी अगर मैं देखता हूँ, अगर मार्केट में निकलता हूँ, उसके बाद परसों काकू का रिजल्ट है और थोड़ा सा वैसे भागदौड़ वाला हफ्ता है ये वाला, तो इस हमारी वो ज्यादा भागदौड़ वाला थोड़ा नहीं है। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी काकू फैमिली प्लीज तो गाइस फॉलो कर लीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।